जी सर, बात है, एक सोशल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी एक्टिविटीज इसकी है कि 5 बिंदुओं पर आधारित है, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इस पर कोविड काल में पूरे देश भर में हमारे सेवा के कार्य चल रहे हैं, चाहे वहां आइसोलेशन होम्स हों, वैक्सीनेशन के सेंटर्स हों, या और जहां पर खाने की जरूरत है, लोगों को मील्स दे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस किस्म की भी जरूरत जहां पर है, बीमारी की हालत में जो उनको ट्रांसपोर्ट करना है वो भी कर रहे हैं। और यहां तक भी है कि जो बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं या जो घरों में जो ब्लड अगर कोई खत्म हो गए हैं उनके लिए पूरा उनको संभाल भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये भी ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आई है कि ऐसी फैमिली जो है जिनका घर में खाना रोटी कमाने वाला कोई नहीं है उनकी झूठे बना रख रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को हम गोद ले लें और उन बच्चों का हम पूरे फ्यूचर का आपको ध्यान रखें कि किस तरह से उनको पढ़ाना है और उनको किस तरह रिहेबिलिट करना है, उसके लिए जहां तक हमारी को इस तरह से व्यवस्था चल रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत विकास परिषद जो है सेवा के कार्य हर जगह चल रहे हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी जैसे आपदा आ गई है तो हमारे जहां भी ये कोविड केयर सेंटर जो जहां हम बैठे हैं इसमें 13 मरीज 13 पेशेंट्स जो एडमिट हुए थे कुछ ठीक होकर घर चले गए हैं। अखनूर में जो हमारी वहां की कमिश्नर है शाखा वहां के प्रधान भी यहां बैठे हुए हैं और वहां पर हमने वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, 1261 जो है जो लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, 18 और 45 के साथ के बीच के लोगों को, और जो बाहर के आगे आजू बाजू के गांव के लोग वहां अखनूर क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो वहां जो आ जाते हैं क्योंकि इस वक्त दुकानें बंद है तो उनके खाने का इंतजाम, हॉस्पिटल में रोगियों के खाने का इंतजाम, उनके अटेंडेंट्स के खाने का इंतजाम, वो सारी हमारी भारत विकास परिषद को देख रही है। इसके अलावा जो हमारी एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे वहां अवेलेबल है, कहीं पर कोई टीम लेकर जाना है गांव में या कोई वहां शिफ्ट करना है आपको में किसी को कोई ऐसी जरूरत बढ़ जाती है तो हमारी टीम बिल्कुल वहां पर मुस्तैद है और 24 घंटे 24/7 वहां वो लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू में हमारे जैसे कि मैंने भी बताया कि आइसोलेशन होम के जो पेशेंट्स जो एडमिट है, इसके साथ ही जो हमारी जैसे शिवालिक ब्रांच है, चलिए मंदिर या त्रिकुट नगर ब्रांच है, तो उसमें जो हमारा कोरोना का फीवर का टेस्टेशन कैंप जब इस तरह के वो भी कैंप वहां लगा रहे हैं, काफी 4-5 जगह वो कैंप्स भी लगे हैं, तो तकरीबन 800-900 के करीब जो लोगों को टेस्ट किया है और जो उसमें से देखते हैं कि जिनके सैचुरेशन 90 के आसपास है, जो उससे एक दो नीचे भी है तो हम उनको सीधे अस्पताल में भेजकर, हॉस्पिटल में भेजकर, ताकि उस पर जो प्रेशर कम रहे हॉस्पिटल पर, हम उनको आइसोलेशन होम में हम जहां एडमिट करते हैं और जो काफी सारे जहां से ठीक होते हैं होकर ही घर चले जाते हैं और जो जिनके देखता है कि 90 से ऊपर आइसोलेशन जाती है और नीचे चली जाती है तो उसको फिर हम हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। सर आपको लगता नहीं है वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन नहीं आ रही हॉस्पिटल में? ऐसा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बीच में थोड़ा सा 2-4 दिन का पॉज आया था, लेकिन अभी ऐसा भी है कि लोगों, मैं ये आपके माध्यम से ये मैसेज में देना चाहता हूँ कि लोग पैनिक ना हो जाएं। एक तो ये है कि पहले तो वो लोग जिनको कोरोना हो गया, बीमारी एक बार हो गया है, उनको कम से कम 2 महीने वैक्सीन नहीं लगवानी है। सर आपको लगता नहीं 18+ जो अभाव है उनको नहीं लग रही वैक्सीन, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जैसे मैं अभी निवेदन कर रहा था कि अखनूर में जैसे पहला कंपाउंड लगाया है तो उसमें 1261 को जो 1845 के बीच में ही है उनको इंजेक्शन हो गया और जो नेक्स्ट फेज है वो भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वहां शुरू होने वाली है जैसे कि मुझे सूचना दी गई।